हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब सभी अच्छे होंगे। और आप वेलकम है आप सभी का मेरे लिए ब्लॉग में। तो आप सभी सोच रहे हैं सुबह सुबह क्या बना रहे हो। एक्चुअली सुबह के बज रहे हैं 6:15 और मैं दीपशिखा के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मतलब लंच बना रही हूँ, स्कूल जा रही है। तो मैंने सोचा आज आप सबके साथ अपना सुबह का रूटीन शेयर करती हूँ। तो मैं उसके लिए मूंग की दाल के टोस्ट बना रही हूँ, जो कि उसको अच्छे लगते हैं। तो जिस टाइप के बने हैं मूंग की दाल के टोस्ट, तो बोर हो जाती है रोज़ रोज़ रोटी सब्जी ले जाता है। तो इसलिए मैं उसके लिए ये मूंग की दाल के टोस्ट बना रही हूँ। अभी बना के फिर मैं उसको उठाऊँगी, स्कूल के लिए नहलाऊँगी, रेडी करूँगी। तो आप लोग चाहो तो आप लोग भी बना सकते हो, कुछ नहीं है। मैंने रात को मूंग की दाल भी दी थी और फिर सुबह के इसमें नमक कुछ वगैरह मिला के और मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, मिक्सी में पीस लिया है। मैं सब उसी की तैयारी कर रही हूँ, जिसको इसको पसंद है भाई। रोज़ रोटी सब्जी बच्चा खा के नहीं आता। जैसे कभी मेरी बेटी को वैसे तो आलू बहुत पसंद है, आलू के पराठे बहुत खाती है वो, आलू के पकौड़े, आलू के पराठे। सर क्या होता है ना, बच्चों को दालें वगैरह भी देना बहुत ज़रूरी होता है। घर पे तो वो खा लेती है सिंपल दाल, बट आप स्कूल में दाल नहीं दे पाते। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसको दाल के टोस्ट दिए जाए, जिनको वो खा लेगी अच्छे से। और अभी मैं इसमें मैंगो रख दूँगी, उसको मैंगो बहुत पसंद है, तो थोड़े से मैंगो रख दूँगी कट करके, फिर उसको उठाती हूँ। ठीक है, अभी सो रही है, मैं इसको उठाऊँगी। ठीक है, टोस्ट रेडी हो गया है, अभी इसमें एक और रखूँगी, ये अभी रेडी हो रहा है, ये बस थोड़ा सा है, अभी रेडी हो जाएगा। इतने में मैंगो ले आती हूँ, इसको कट कर देती हूँ, पैकन में इसमें कट करके लगा देती हूँ। मैंगो फ्रेंड्स, स्टिफिन को मैं क्लोज कर देती हूँ, और तो कुछ रखना नहीं है, बस एक फोक रखना है और ये टोस्ट है उसको, उसको ऐसे बंद कर देती हूँ। और इसमें स्पून रख देती हूँ, स्पून भूल गई मैं, तो मैंगो के लिए फोक रख देती हूँ। ये रख दिया फोक, इसको क्लोज कर देती हूँ मैं। फिर दीपशिका को उठा लेती हूँ। एक्चुअली थोड़ा पानी बहुत ठंडा हो रहा है, देखती हूँ थोड़ा नीचे चला देती हूँ, तो पानी थोड़ा सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि एसी चल रहा है। फिर बच्चे ना उठते हैं एसी में से, तो एकदम से फिर ठंडे पानी में ना नहा नहीं पाते। थोड़ा सा देखती हूँ, गीजर ऑन कर देती हूँ 2 मिनट के लिए। दीपशिका की वाटर बॉटल, ठंडा पानी भर देती हूँ इसमें, गर्मी बहुत हो रही है। कितने भी स्कूल पहुँचते हैं ना, इतना थोड़ा नॉर्मल हो जाता है ये वाटर। इसमें भर दिया मैंने ठंडा पानी, ये हो गई क्लोज, हो गई बंद। और ये दीपशिका के लिए है कुछ बादाम, जो मैं जिसको पील कर लेती हूँ ताकि वो दूध के साथ ले सके। बादाम पील कर देती हूँ, दूध के साथ ले लेगी। उन बादामों को पील करने के बाद उठाऊँगी उसको, सीधा नहला के स्कूल के लिए रेडी कर दूँगी। और बताओ आप लोगों की मॉर्निंग कैसी जाती है? मेरी तो डेली मॉर्निंग अब ऐसी ही जाएगी, रोज सुबह वही लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, शिखा को रेडी करना है। मेरी डेली मॉर्निंग अब यही चलेगा, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली मॉर्निंग में ब्लॉग बनाऊँ। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी। बाकी आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है और मेरी लाइफ स्टाइल कैसी लगती है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग को मेरा डांस वीडियोस वगैरह कैसे लगता है वो भी बताना।
और कुछ चेंजेस करने हैं वीडियोस वगैरह में, कुछ चॉइस है तो वो भी ज़रूर बताना, ताकि आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं उस चीज़ को बदल सकूँ और कुछ नया ट्राई कर सकूँ, आप लोगों के लिए कुछ नया ला सकूँ। थैंक यू। दीपशिखा उठ चुकी है और बच्चा उठने के बाद काफ़ी देर तक तो होश में नहीं आते हैं बच्चे, पर चलो अब इसको होश में लाती हूँ मैं, पहना लाती हूँ। देखो बात में भी सो रही है, बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है भाई, छोटे बच्चों के लिए इस टाइम उठना, रेडी होना। और 3 बजे तक दीपशिखा बाहर स्कूल में ही रहती है, 3 बजे से मतलब आती है घर, कई बार तो 3 से भी ऊपर टाइम हो जाता है, तो भाई बहुत डिफिकल्ट टाइम है बच्चों के लिए। ये नहा ली है, चलो इसको स्कूल के लिए रेडी कर देती हूँ, चल कपड़े प्रेस करूँगी पहले तो। ये दीपशिखा रेडी हो गई है और ये है उसका दूध। दीपशिखा बादाम उठाओ बेटा, खा लो, चलो जल्दी करो, अब तो आप नहा भी लिए फिर भी आपको अलकस आ रहा है, चलो दूध फिनिश करो जल्दी से, बादाम खा लो, डालो मुंह में डालो, खा ले बेटा दूध गिर जाएगा, पी ले। टाइम हो गया, वैन वाला आ गया होगा, जल्दी पहन ले शूज। रेडी चले दीपशिखा, चलो बाय, ये लो बैग पकड़ो, बाय। दीपशिखा तो गई स्कूल, अब तो बैक टू वर्क, अब क्या करेंगे, अब मैं अपने किचन समेट लूँ, किचन फैल गई है ब्रेकफास्ट बनाते बनाते, और मशीन लगाऊंगी आज, कपड़े धोएंगे और कपड़े बहुत हो रहे हैं, पता ही नहीं लगता, हर दूसरे तीसरे दिन इतने कपड़े हो जाते हैं, बहुत ही बड़ी समस्या आई है, तो मुझे प्यास भी लग रही है बहुत तेज़। किचन पूरी फैल गई है, ये देखो पूरी किचन फैल गई मेरी, ये सारे डिब्बे विब्बे सही करूँगी जल्दी जल्दी में ना, बच्चों का जब लंच बनाते हैं जल्दी जल्दी में सब तहस नहस हो जाता है। फ्रेंड्स एक बाल्टी में कपड़े ये रहे और ये कंबल भी भिगोऊंगी, कंबल गंदा हो रहा है, एक्चुअली हम लोग मतलब एसी चलाते हैं तो ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो थोड़ा बहुत ले लेते हैं, बच्चे ओढ़ लेते हैं, हल्का ही है ये, देखने में भारी लग रहा है। 2 बाल्टी कपड़े ये रहे और ये लग गई है मशीन धुले हुए कपड़े, चलेगा सारा दिन कंटिन्यू काम, फटाफट काम धोएंगे कपड़े, झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम करेंगे, और मैं बनाऊंगी आज कढ़ी। तो फ्रेंड्स किस किस को कढ़ी खानी आ जाओ, कढ़ी बनाऊंगी ना, सिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ, और बताना मुझे आप लोग कैसे बनाते हो। फ्रेंड्स ये फ्राई पैन आया है शॉप में बनाने, ये चाय बनाने वाला छोटा सा, गिफ्ट भी आया है सेलो का है, सैलो तो उस पर लिखा है, वैसे ये स्टेन लॉक्स का है, स्टेनलेस स्टील है, छोटा सा है चाय वगैरह बनाने के लिए, तो ये मैंने कहीं से मंगवाया नहीं है, ये हमारी शॉप पे आया है एज अ गिफ्ट। कढ़ी रेडी हो रही है, थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी, कढ़ी वगैरह मैंने बना लिया, अब मैं नहाऊंगी, तो मिलते हैं आपसे, बाय बाय।